Hey guys, this is Rishav here and you're watching my channel Read Gone Crazy. I'm in the middle of this beautiful lake called Fiwa Lake in the heart of the city of Pokhara in Nepal. Yes, this time I am in Nepal and I've been riding with my biker group, the Invincibles. So the journey till Pokhara has been quite good. We'll start the video shortly, but as usual, before starting the video, make sure you subscribe to my channel right now. And if you like the video, please, please, please comment, like, and do share. Don't forget to do that. It's 6 o'clock in the morning and we have reached Nalbari. We started at around 4:30 from Guwahati and thoda thanda hai. मज़ा आ रहा है चला के होपफुली बारिश नहीं हो सुबह मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा अंधेरा था थोड़ा नहीं बहुत ही अंधेरा था सो अभी थोड़ा चाय पीने के लिए रुके हैं और हम लोग का एक ग्रुप मेंबर जो हम लोग के साथ नहीं जा रहा है लेकिन हम लोग को सी ऑफ करने के लिए आया है वी हैव जस्ट एंटर्ड वेस्ट बंगाल दिस इज द श्रीरामपुर गेट वी हैव कम अराउंड 270 किलोमीटर्स and 200 more kilometers to go. मैं अभी नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस के सामने हूँ आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को अभी अपना भंसार निकालना है भंसार एक मतलब पर डे फीस होता है मतलब जितना दिन यहाँ पे रहेंगे उसका निकाल लेना पड़ेगा यहाँ से वो पर डे 100 रुपीज़ जैसा होता है मैं एक बार आपको कन्फर्म करके पूरा डिटेल्स दिखा दूँगा तो अभी हम लोग को पहले वो काम कर लेना है क्योंकि ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है अभी टाइम हुआ है 6:30 हम लोग ऑलमोस्ट 13 आवर्स राइड किए हैं गुड मॉर्निंग गाइस दिस इज़ डे 2 और मैं हूँ अभी मेची रिवर के सामने ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये है मेची रिवर ये एक बहुत स्पेशल रिवर है क्योंकि ये रिवर का दोनों साइड में दो कंट्रीज़ है दैट इज़ नेपाल एंड इंडिया और कल रात हम लोग नेपाल के साइड में थे ककरभिट्टा बोलते हैं जो मतलब बॉर्डर एरिया है अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया थोड़ा मतलब पैसा का कमी हो गया तो हम लोग फिर इंडिया साइड जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को एटीएम से वहाँ से पैसा निकालना है सो अभी फिर वहाँ से पैसा लेके हम लोग आज पोखरा की तरफ निकलेंगे लेकिन जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे क्योंकि पोखरा अभी बहुत दूर है और रोड कंडीशंस कैसा होगा हम लोग को अभी इतना पता नहीं है होटल्स आर इजीली अवेलेबल हियर इन ककरभिट्टा हम लोग ने कोई बुकिंग नहीं किया था लेकिन फिर भी मिल गया और वी एक्सचेंज आवर करेंसीज तो इट्स नॉट टोटली नेसेसरी बिकॉज इंडियन करेंसीज आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर हियर यहाँ चीज़ों का दाम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन एनीवेज वी आर ऑल सेट नाउ लेट्स रोल And it's 6 o'clock in the morning. We have come about 360 kilometers from Kakarbhitta. लेकिन मतलब ज़्यादा डिस्टेंस एक दिन में कवर नहीं हो पाया इसलिए हम लोग ये रास्ते के बीच में यहाँ पे रुक गए सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पोखरा के लिए ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स है यहाँ से यहाँ पे जगह तो बहुत अच्छा है सुबह सुबह पूरा लोग यहाँ पे बहुत एक्टिवली सब लोग को दिख रहा है इस तरफ तो हम लोग का पोखरा है और इस तरफ है ककरभिट्टा टिल नाउ द रोड कंडीशंस वर वेरी गुड इट्स अ टू वे बट अच्छा ही था ओवरऑल बहुत अच्छा था बीच बीच में कभी कभी 100-200 मीटर का पैचेस में थोड़ा थोड़ा ख़राब था लेकिन ओवरऑल चलन लायक है मतलब पूरा for
breakfast. We've come around 36 kilometers from Nijgadh. और अभी hilly area start हो गया है. रास्ता थोड़ा-थोड़ा ख़राब होने लगा है. We are entering the beautiful Himalayan city of Pokhara. हम लोग ने होटल ऑलरेडी बुक करके रखा था तो अभी पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद चेक इन करेंगे. Right now I am in Jostel Pokhara. It's beautiful out here. You can see the world peace super right behind me. It's really huge. इधर चढ़ने के लिए almost 15 minutes stairs चढ़ना पड़ा और मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया. I don't know why. Okay, I think I know why. Hey guys, this is 6:45 in the morning and I am here in Sarangkot. It's a viewpoint from where you can see the sunrise. It should be beautiful out here, but I am very late. I was supposed to be here at 4:30. But I reached here at 6:30, so I missed the sunrise, and the view is also quite foggy. The mountains are not visible. That is what happens when you wake up late. You miss the scene, you know. Today we will be leaving for Kathmandu. It should be around 200 kilometers, but the journey will be uphill, so it is going to take quite a lot of time. This is the Fuwa lake I was talking about. Okay, this is Sean from Canada. These boys are bloody crazy. Yo. Never mind Reed, all of them. So from now on, it's gonna be boys gone crazy. Yeah. Okay, that's Reed, cool, that's cool. Reed plus the boys. Thank you, Sean. Boys gone Let's crazy. Meet again. Have a good trip, safe trip. We are entering the narrow alleys of Kathmandu. It's really crowded here and we are heading towards the Tamil area because it's kind of the most happening place out here in Kathmandu. It's day 5 and we are walking in the streets of Tamil. It's the commercial area in Kathmandu and you can see all the trekking equipments and jackets. I'm here at the Kukri store in Kathmandu. And my friend is going to explain what is kukri and what are the price ranges out here. ये kukri ऐसा इस type का जो curved type का जो single blade और curved shape में उस इस type का एक blade है होगा. ये नेपाल का typical design है. अच्छा. और इसका जो front में weight होगा. अच्छा. और chopping के लिए typically ये chopping के लिए ज़्यादा use होगा. सबसे छोटा वाला और जो souvenir type का इस type का है 1000 से जो 1000 NC है उससे start होगा और 2-3000 तक जाएगा. This is day 6 and we are entering the UNESCO World Heritage Site, the Pashupatinath Temple. हम लोग अभी पशुपतिनाथ मेन मंदिर के सामने हैं. वो पीछे हम लोग का मेन मंदिर हम लोग आए हैं अभी और मे बी इसके अंदर में हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड में बड़ा बड़ा करके लिखा है मोबाइल्स आर नॉट अलाउड. अभी अभी हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करके निकले हैं. अंदर में ज़्यादा भीड़ नहीं था. 20 मिनट जैसा लाइन में खड़े होके हम लोग पूरा अंदर तक जा पाए. नॉर्मली तो बहुत भीड़ होता है ऐसा लोग बोल रहे हैं यहाँ का क्योंकि अभी दशहरा का टाइम है तो सब लोग घर गए हैं इसीलिए भीड़ कम. Starting our return journey today. Hey guys, this is it. We have come to the end of this amazing trip. It's time to say goodbye. So finally we made it. So if you need any kind of information, just check in below.
And one more message to our fellow comrades that we miss them. But whatever it is, we have completed that trip. हम लोगों तो बहुत मजा आया. अगर आप लोगों को भी मजा आया तो please, please, please subscribe कीजिए और share कीजिए. Thank you. Ride safe.